बनेगा सुल्तान। तो उत्तर प्रदेश का कौन बनेगा सुल्तान, इसके नतीजे आ चुके हैं। रुझानों में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 295 सीटों के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। कह सकते हैं तमाम एग्जिट पोल्स को यूपी की जनता ने पीछे छोड़ दिया है। एग्जिट पोल्स को कल तक खरीदा हुआ बताया जा रहा था, पैसों के दम पर बनाया हुआ बताया जा रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर दिया है कि वो किसके साथ है। साफ तौर पर यूपी की जनता ने एक मैसेज देने की कोशिश की है और बताया है कि अब जाति और धर्म की राजनीति इस देश में, इस प्रदेश में नहीं होने वाली। अब जनता बात करेगी तो सिर्फ विकास की बात करेगी, विकास के मुद्दों पर बात करेगी। आपको बता दें यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में गठबंधन को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गठबंधन काफी पीछे है, कांग्रेस वहां पर आगे दिखाई दे रही है। संवाददाता आजम खान हमारे साथ सहारनपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आजम, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्या कुछ हालात है वहां के? आजम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आजम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण आजम खान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर देवबंद की बात करें, मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें, तो वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने वहां पर जीत का परचम लहराया है। यह 300 के आसपास का आंकड़ा यूं ही नहीं आया है, यूं ही नहीं 300 के आसपास बीजेपी पहुंच गई है। प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल वर्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन सी वो कमियां रही जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नकार दिया। बातें कर रहे थे कि बहुमत की सरकार बनाएंगे दोनों मिलकर, यूपी के अपने लड़के हैं, बाहरी लोगों को गोद न लिया जाए। तो ऐसे में यूपी की जनता ने लोगों को दरकिनार क्यों किया? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश का साथ उत्तर प्रदेश को पसंद नहीं आया? राहुल वर्मा जी, सबसे चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, शायद इसकी उम्मीद हम भी नहीं कर रहे थे कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जनता का निर्णय सर्वप्रिय होता है और जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को चुना वो एक जनता का निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक अप्रत्यक्ष जीत भारतीय जनता पार्टी की जो हुई उसमें सीधा सीधा हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुहिम चलाना चाहते थे, जो वो चाहते थे, उसमें वो कामयाब हुए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता को उनकी झूठी बातों के बारे में पता लगेगा और निश्चित रूप से जो आने वाला समय होगा वो समाजवादी पार्टी का एक अच्छा समय। नहीं, अगर हम बीएसपी की तरफ को जाएं, अभी आप बोल रहे हैं चले झूठे समय का पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने अब अपना फैसला ले लिया है, लेकिन बसपा की हालत राहुल जी बहुत ही मतलब दुखदाई वाली स्थिति हो गई है कि कहीं की नहीं रह गई है बसपा। अखिलेश यादव एग्जिट पोल्स की बात कहते हैं कि वो मायावती के साथ गठबंधन कर लेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो करारा तमाचा मार दिया मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी के मुंह पर। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो पार्टियां जीत कर आती हैं, जो लार्जेस्ट पार्टियां जनता बनाती है, निश्चित रूप से वही सत्ता में रहती हैं और ये तब तक की बातें होती हैं जब तक आप कहीं लड़ाई में हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर हमें लड़ाई से बाहर किया, उसकी वजह सीधा सीधा एक ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर जो मायावती जी की एक पहचान थी वो खत्म हुई, उनका जो अपना वोट बैंक था वो सरक गया। और आप ये देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी तीसरे नंबर पर रहती थी, आज उन सीटों पर दूसरे नंबर पर है। उसकी वजह है कि लोकतंत्र के, अच्छे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना रोल अदा करना होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात यह है। राहुल जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम बोलता है कि विज्ञापन आप लोगों की तरफ से चलाए गए, बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया गया अखिलेश सरकार का कि बहुत तेजी से काम किया है, एक बार और मौका दिया जाए। राहुल गांधी ने भी चिल्ला चिल्ला कर बोला कि हम रोजगार देंगे। डिम्पल भाभी भी रोड शो में शामिल हुई और उन्होंने भी बोला कि एक बार अखिलेश भैया को जिताओ। लेकिन आखिर क्या कमी रह गई आप लोगों के काम में जो प्रदेश की जनता ने आप लोगों को नकार दिया? देखिए, कमी कोई नहीं रही, लेकिन जनता का फैसला है, जब जनता फैसला देती है उसे स्वीकार करना चाहिए राजनीतिक लोगों को। लेकिन ये हम आज भी इस बात से कहीं पीछे नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास कार्य है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश सरकार ने किया, इतना किसी सरकारों ने नहीं किया। कहीं किसी वजह से अगर पार्टी कहीं हारी है तो उस पर मंथन होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जनता में जाएंगे, जनता को अपनी बात कहेंगे और हम फिर जीत करेंगे। देखिए राहुल जी, जहां तक मैं आकलन कर पा रहा हूं, हम अपनी तरफ से जो आकलन कर पा रहा हूं, आकलन ये है कि मुलायम सिंह यादव को दरकिनार करना यहां पर अखिलेश यादव को भारी पड़ गया।
जिस पिता ने 5 साल पहले अपनी सारी सत्ता अखिलेश यादव को सौंप दी थी, अगले 5 साल बाद वही बेटा अपने पिता को सिर्फ सत्ता की खातिर साइड करता है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना अखिलेश यादव को? मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए नेताजी को अखिलेश यादव जी ने कहीं दरकिनार नहीं किया, नेताजी नहीं दरकिनार किया, राहुल जी दरकिनार किया गया आप नहीं, मेरा विवेक नहीं। अगर मुलायम सिंह यादव प्रचार करते, मुलायम सिंह यादव ने एक या दो बार ही प्रचार किया, नहीं तो मुलायम सिंह यादव तो साथ थे। आप ये बताइए एक पिता को क्या चाहिए था? एक पद ही तो चाहिए था, उसका पद भी उनसे छीन लिया गया, काम तो सारे अखिलेश यादव ने ही करने थे। तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज भी जनता में गया कि अपने पिता के साथ अगर अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं सत्ता की खातिर, तो कहीं ना कहीं यूपी की जनता के साथ भी छली करेंगे। नहीं देखिए इस प्रकार की ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने प्रचार नहीं किया, नहीं है, मैं आपकी बात को इसलिए ये नहीं मानने के लिए तैयार हूँ कि अखिलेश यादव जी ने नेताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और अगर नेताजी नाराज होते तो निश्चित रूप से वो ये ना कहते अर्पणा यादव जी के चुनाव में अखिलेश यादव जी पहुंचे, डिंपल जी पहुंची, सब लोग पहुंचे, और पूरी तरह से समाजवादी परिवार एक है, और जनता ने अगर नकार दिया तो इसमें कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नकारा था, बीएसपी के लोगों को भी नकारा था, 2012 में हमारी सरकार बनी थी। अगर इस बार हम कहीं लूज रह गए हैं तो निश्चित रूप से हम अध्ययन करेंगे, दोबारा जनता में जाएंगे और अपना विश्वास हासिल कर दोबारा चुनाव जीतने का काम। कुल मिलाकर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन यूपी की जनता ने कुल मिलाकर ये सब कुछ देखा था कि मुलायम सिंह यादव को दरकिनार किया गया, जनता ने ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जनता क्योंकि पिछली बार बीएसपी को बदलकर समाजवादी आई, इस बार जनता समाजवादी को बदलाव चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती थी। जनता ने सिर्फ बदलाव चाहा है, समाजवादी पार्टी की रीति और नीति में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी परिवार पूरी तरह से संगठित है, नेताजी के नेतृत्व में आगे काम करेगा। समाजवादी पार्टी परिवार तो संगठित है राहुल जी, लेकिन सवाल यह है कि यूपी की जनता ने संगठित परिवार को तितर बितर कर दिया। जो आप सरकार बनाने की बातें करते थे, उस सरकार को एक तरफ धराशायी करके रख दिया उन्होंने। अब एक और पॉइंट पर मैं आऊँगा, अखिलेश यादव ने जो कह सकते हैं गधों वाली बात कही थी, एक बयान भारी पड़ा है अखिलेश यादव को। देखिए ये क्या कहा, किस प्रकार से कहा, ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो इस प्रकार का कोई बयान नहीं दे सकते, और अगर ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया भी है तो ये मीडिया के माध्यम से दिखाया गया। अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का कोई बयान नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव ने बयान दिया जब तो मीडिया ने दिखाया, राहुल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, है ना? अखिलेश यादव ने बोला कि हां भाई कि अमिताभ बच्चन से मैं कहता हूं कि गुजरात के गधों का प्रचार बंद करो। मीडिया ने इस प्रकार के कई बयान दिखाए जो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं दिए, बाद में उन लोगों ने उसका खंडन भी किया। नहीं, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी कैसे कह सकते हैं। नहीं, ये बयान तो हमारे सामने की बात है, तो रैली की बात है। जनता में कोई फर्क नहीं गया, जनता बदलाव गधे से कोई फर्क नहीं गया, जनता बदलाव चाहती थी, उन्होंने बदलाव लिया और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जनता के निर्णय का हम लोगों को भी मौका दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका दिया है तो वो भी अपना काम करके दिखाएंगे, लेकिन जब हम बाद में चुनाव में आएंगे तो जनता इस बात को बहुत जल्दी कुछ समय में समझ जाएगी कि जितना विकास, जितना काम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अखिलेश यादव जी ने किया, किसी व्यक्ति ने इतना उत्तर प्रदेश में जब से देश आजाद हुआ विकास कार्य नहीं किए। चलिए चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता राहुल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को दरकिनार करना, अखिलेश यादव ने गधों की बात कही, उसकी दिक्कत कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पेश आई है, और कहीं ना कहीं जो एक बात कहा है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती थी, एक बात और सबसे बड़ी आती है कि जाति और धर्म की राजनीति, इससे यूपी की जनता अब किनारा चाहती है, चाहती है कि विकास के नाम पर राजनीति हो, जाति और धर्म की राजनीति ना हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कौन बनेगा सुल्तान लगातार जारी है। कौन बनेगा सुल्तान,